हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। बच्चों, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जहां पर हमने SN1 एंड SN2 रिएक्शन पढ़ी। आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, जो है NGP इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले NGP जानते हैं होता क्या है, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। NGP स्टैंड्स फॉर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। दैट मींस जब भी किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में NGP होगा, दैट मींस नेबर ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे NGP इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, आज तक हम जो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, लाइक SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इन SN1 और SN2 रिएक्शन में हम नॉर्मल एल्किल हैलाइड को पढ़ते थे या नॉर्मल एल्कोहल को पढ़ते थे, जहां पे हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते थे कि एल्किल हैलाइड को छोड़ करके अदर जो कार्बन चेन है उसमें से कोई भी एटम पार्टिसिपेट नहीं करता था SN1 SN2 रिएक्शन में। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहाँ पे अदर एटम भी पार्टिसिपेट करेंगे। किस तरह से, 2 मिनट रुको, अभी बताता हूं। पहले कुछ की पॉइंट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, एनजीपी में जो चेन है, चेन का एटम पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इस रिएक्शन का रेट जो हो जाता है वो अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंपैरिजन में हाई हो जाता है। बच्चों, दूसरा आपको हमेशा याद रखना है, यहां पर हेट्रो एटम चेन में प्रेजेंट होना मस्ट है। याने कभी भी आपको किसी भी चेन में एनजीपी देखनी है तो वहां पर आपका चेन में हेट्रो एटम होना एक तो बहुत मस्ट है। सेकंड चीज, उस हेट्रो एटम के पास लोन पेयर भी होना चाहिए, और साथ साथ वो हेट्रो एटम बीटा, गामा या डेल्टा एंड उसके आगे की पोजीशंस पे जुड़ा हो। कैसे, मैं बताता हूं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले बच्चों, हम बोले CH3S CH2CH2X, तो यहां पर देखो सल्फर एक हेट्रो एटम है जिसके पास है जो लोन पेयर। अगर सल्फर हेट्रो एटम है और लोन पेयर है, देखो हेलोजन के रिस्पेक्ट में दिस इज द अल्फा पोजीशन, दिस इज द बीटा पोजीशन। दैट मींस ये सल्फर कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन के साथ जुड़ा है। दैट मींस ये एनजीपी शो करेगा, यानी यहां पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा, जिस वजह से इस रिएक्शन का रेट बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, टू टाइम्स SN2 मैकेनिज्म टेक प्लेस। जब भी मैं एनजीपी की बात करता हूँ, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की बात करता हूँ इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो बच्चों वहां पर 2 बार SN2 रिएक्शन होती है। मैंने आपको बताया था SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अगर कायरल कार्बन है तो इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन होती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका कंपाउंड कायरल है तो वहां पर R से S फॉर्म बनेगी एंड देन अगेन S से R फॉर्म बन जाएगी। फाइनली वी कैन से दैट इन NGP रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस। याद करो, हम लोग जब SN2 रिएक्शन पढ़ते थे तो हम वहां पे बोलते थे इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस, लेकिन NGP में क्या होगा बच्चों, रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट मींस अगर आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव R फॉर्म सब्सटेंस दे रखा है तो उससे बेटा ऑप्टिकली एक्टिव R फॉर्म सब्सटेंस का ही फॉर्मेशन होगा। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लिक रिंग्स आर फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स में साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है बच्चों, यानी जब भी एनजीपी होगी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां पे हमेशा और हमेशा साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, और वो साइक्लिक रिंग या तो 3 मेंबर्ड होगी या 4 मेंबर्ड होगी या 5 मेंबर्ड होगी या फिर बच्चों 6 मेंबर्ड होगी। अब यहां मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा हूं कि अगर आपने एनजीपी कराई और आपकी 2 तरह की रिंग बनी, एक 3 मेंबर्ड बनी और एक 4 मेंबर्ड बनी, तो जो 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी या 4 मेंबर्ड ज्यादा रिएक्टिव होगी। सपोज दैट मैं बात कर रहा हूं 2 एग्जांपल, लाइक सपोज मैंने बोला CH3S
CH2CH2X। एंड मैं एक एग्जांपल की और बात कर रहा हूं, CH3S CH2CH2CH2X। बच्चों ध्यान से देखो, अभी मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पर थ्री मेंबर्ड रिंग, अभी मैंने आपको मैकेनिज्म नहीं सिखाया है तो आप उसको भूल जाओ अभी, है ना। अभी बस आप यहां ध्यान दो, सपोज दैट मैंने बोला सल्फर इस कार्बन से अटैक करके थ्री मेंबर्ड रिंग बना रहा है, 1 2 3 1 2 3। एंड यहां पर सल्फर जो है इस कार्बन से रिएक्ट करके फोर मेंबर्ड रिंग बना रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा रिएक्टेंट बहुत फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनजीपी देगा, तो आप बता सकते हो। जरा देखो, फोर मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, थ्री मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, फोर मेंबर ज्यादा स्टेबल है। जो फोर मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल बन रही है तो वो इजिली ब्रेक नहीं होगी क्योंकि इंटरमीडिएट में बन रही है वो रिंग। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, थ्री मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है जिसमें एंगल स्ट्रेन की वजह से वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है बच्चों। और अगर थ्री मेंबर रिंग बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो फटाफट से ब्रेक होगी, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इन दोनों रिएजेंट में, This one is more reactive. तो याद रखना हमेशा, कभी भी आप एनजीपी कराओगे और वहां पे हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि जिसमें इंटरमीडिएट थ्री मेंबर रिंग बनेगी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रिएजेंट होगा, और जिसमें सिक्स मेंबर रिंग बनेगी वो सबसे लेस रिएक्टिव रिएजेंट होगा। तो ये है हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स एनजीपी के बारे में। बच्चों अब हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की जरा बात करते हैं। मैंने बोला मेरा एग्जाम्पल नंबर वन है CH3CH2CH2X। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है मेरा बच्चों CH3CH2CH2S CH2X। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है बच्चों CH3CH2CH2S CH2CH2 and X। And the example number 4 is CH3CH2CH2S CH2CH2CH2X। याद रखना जो हेट्रो एटम है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, वो सल्फर ही नहीं वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, इस बात को याद रखना। सिर्फ उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होने चाहिए जिससे वो डोनेट कर सके, लाइक नाइट्रोजन भी हो सकता है NH ग्रुप, है ना, NH दो बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो हेट्रो एटम होना चाहिए। अब देखो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में बात करूं तो फर्स्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो ये नॉर्मली SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ही देगा। नाउ हम लोग बात करते हैं सेकंड पे। जरा बताओ क्या जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड एग्जांपल है, क्या ये एनजीपी देगा? अभी अभी मैंने बोला था कि जो हेट्रो एटम है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए बीटा गामा डेल्टा या इससे आगे की पोजिशन पे, लेकिन यहाँ पर दिस इज अल्फा। ये सल्फर कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट मींस ये नो एनजीपी, ये एनजीपी नहीं देगा। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, लाइक हेलोजन को अगर मैं यहां से रिमूव करूं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करूं तो ये क्या होगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, डबल सिंगल डबल पॉजिटिव, तो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जरा देखो दिस इज अल्फा दिस इज बीटा। हाँ यहाँ पर एनजीपी होगी, यहाँ पे एनजीपी पॉसिबल है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा दिस इज गामा, गामा से सल्फर जुड़ा है, दैट मींस यहाँ पे भी बच्चों एनजीपी पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी एनजीपी पॉसिबल है। अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मैंने आपको पहले ही बताया एनजीपी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो चलो थर्ड और फोर्थ में एनजीपी हो रहा है, जरा बताओ थर्ड वाले में कितने मेंबर रिंग बन रही है? यहां पर थ्री मेंबर रिंग बन रही है, थ्री मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा? वन टू थ्री फोर, दैट मींस यहां पे हो रहा है बच्चों फोर मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बताओ सबसे पहले तो आप एनजीपी का रिएक्टिविटी देखोगे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी, थ्री मेंबर या फोर मेंबर? ऑब्वियस है थ्री मेंबर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, आफ्टर दैट फोर मेंबर। नाउ अब इन दोनों में देखो फर्स्ट और सेकेंड, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है इंटरमीडिएट में, भले ही एनजीपी नहीं हो रही है लेकिन रेजोनेंस हो रहा है, दैट मींस सेकंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे फर्स्ट के बारे में। जरा देखो फर्स्ट ही बचा है, तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है, तो ये हमें क्या है याद रखना है। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि एनजीपी रिएक्शन होती कैसे, एनजीपी का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैंने एग्जांपल लिया CH3O CH2CH2CN। आपको याद रखना है एनजीपी की कंडीशन कि एक हेट्रो आइटम प्रेजेंट होगा हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो प्रेजेंट होगा हमेशा बीटा या गामा या डेल्टा और आगे की पोजीशंस पर, दैट मीन दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। नाउ अब होगा क्या, जरा देखते हैं इस रिएक्शन को विथ मैकेनिज्म। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों मैकेनिज्म वाइज कि रिएक्शन कैसे होगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले होगा क्या, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एनजीपी में टू टाइम्स SN2 मैकेनिज्म होता है। तो देखो यहां पर फर्स्ट टाइम SN2 मैकेनिज्म होगा जहां पर क्लोरीन माइनस बाहर आ जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्लोरीन। कैसे, यहां पर धीरे धीरे इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन, इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन डाउन स्टार्ट होगा और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा CH3O CH2 CH2 Cl। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहां पर क्या हो रहा है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और फाइनली क्या होगा, जब क्लोरीन रिमूव हो जाएगा बच्चों, तो एक SN2 मैकेनिज्म होकर आपका कंपाउंड बनेगा CH3। यहां पर ऑक्सीजन एक CH2 ये रहा, एक CH2 ये रहा और ये रहा बॉन्ड। अब देखो अगर ऑक्सीजन बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट मींस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब अगेन सेकंड SN2 मैकेनिज्म होगा और सेकंड SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। अब वो किस पर अटैक करेगा, जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन क्या है पॉजिटिव चार्ज कैरी करके बैठा है, दैट मींस ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड या तो इस कार्बन से लेने की कोशिश करेगा या फिर अपना बॉन्ड इस कार्बन से वापस लेने की कोशिश करेगा, यानी या तो यहां से अपना बॉन्ड लेगा या यहां से अपना बॉन्ड लेगा। जैसे किसी भी एक कार्बन से ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेगा तो उस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH नेगेटिव उस कार्बन पर अटैक करेगा। सपोज दैट मैंने कहा इस कार्बन से इसने अपना बॉन्ड वापस ले लिया, तो OH नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 CH3O CH2 and CH2OH। ये आपका बन गया बच्चों प्रोडक्ट। अब एक बात और याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो OH नेगेटिव है, जो OH नेगेटिव है वो ऑलवेज ऑलवेज अटैक्स ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन। OH जो है वो ऑलवेज अटैक करेगा
OH नेगेटिव जो है वो ऑलवेज अटैक करेगा लेस हिंडर्ड कार्बन। यहाँ पे तो दोनों कार्बन की हिंड्रेंस सेम है क्योंकि दोनों से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हिंड्रेंस सेम ना हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये हमने सिंपल एक मैकेनिज्म पढ़ लिया है एनजीपी का। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अगर मैंने बोला CH3O CH CH3 ऑक्सीजन के पास है बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन CH2Cl। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर अगेन हम लोग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होगा, स्टेप वन में CH3O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है CH CH3 CH2Cl। धीरे धीरे इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, माइनस होगा क्लोरीन, Cl नेगेटिव इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3O। SN2 मैकेनिज्म हो रहा है बच्चों, है ना, O और यहां पर CH CH3 और यहां पर CH2O। देखो अगेन थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया है अगेन, लेकिन यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप सल्फर भी ले सकते हो। नाउ अब क्या हुआ, अब OH नेगेटिव आयन यानी सेकेंड SN2 मैकेनिज्म होगा और OH नेगेटिव आयन किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल होने की वजह से या तो ये वाला बॉन्ड लेगा या ये वाला बॉन्ड लेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड लेगा। अगर ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड लेता है तो ये कार्बन लेस हिंडर्ड है ना, दिस इज लेस हिंडर्ड एंड दिस इज दिस पार्ट इज मोर हिंडर्ड। तो ये पार्ट ज्यादा हिंडर्ड है तो OH कहां पे अटैक करेगा, OH अटैक करेगा लेस हिंडर्ड पार्ट पर, दैट मींस यहां अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा एंड आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3O। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है दैट मींस CH CH3 एंड CH2OH ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो एनजीपी इस तरह से होती है। नाउ बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एक स्पेशल केस की एनजीपी में। देखो अब तक आपने क्या देखा कि एनजीपी में अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो एनजीपी फॉलोड हो रही है बीटा गामा या डेल्टा पोजीशन एंड सो ऑन पोजीशंस पे, लेकिन अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है तो भी क्या एनजीपी हो सकती है, जरा देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में मैंने बोला कि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास पाई बॉन्ड्स है और यहां पे मैंने बोला CH CH3 CH C2H5 एंड Br। मैंने बोला मेरा ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड एनजीपी शो करेगा, जरा देखो। अगर कभी भी पाई बॉन्ड अल्फा बीटा एंड गामा, अगर कभी भी पाई बॉन्ड गामा कार्बन के पास है तो वो एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है, या गामा से आगे अगर किसी कार्बन के पास पाई बॉन्ड है तो भी वो एनजीपी में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों करेगा मैं बताता हूं और कैसे करेगा मैं ये भी बताता हूं। तो चलो एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं फिर इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मैं इसको मैकेनिज्म वाइज करूं तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले CH CH3 एंड CH C2H5 एंड Br, दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा। जो गामा कार्बन है वो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपने पास ले लेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड को अपने पास लेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब ये जो गामा कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज किसको देगा, यहाँ से ब्रोमीन को हटाकर यहाँ दे देगा और एक बार SN2 रिएक्शन फिर से हो गई है जहाँ पे माइनस हुआ है Br नेगेटिव एंड Br नेगेटिव के माइनस होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो जरा, CH
CH3 एंड CH, C2H5 और यहां से बन गई एक रिंग और यहां पर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब एक चीज और, अगर SN2 रिएक्शन हुई है तो जो C2H5 है वो वैज से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो वैज से डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही से हमें पता पड़ा कि एक बार SN2 रिएक्शन हो गई है। नाउ सेकंड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप होगी अटैक ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब जैसे ही बच्चों OH नेगेटिव आयन का अटैक होगा तो आपको पता है कि OH नेगेटिव का किस कार्बन पर अटैक होगा, OH नेगेटिव का उस कार्बन पर अटैक होगा जो लेस हिंडर्ड है। कौन सा कार्बन लेस हिंडर्ड है, ये वाला या ये वाला? देखो बच्चों इस कार्बन पर C2H5 ग्रुप लगा हुआ है जबकि इस पे CH3 ग्रुप लगा है, तो ये वाला कार्बन लेस हिंडर्ड है। और अगर बच्चों ये कार्बन लेस हिंडर्ड है तो OH अटैक करेगा कहां पर, इस कार्बन पर। जब OH इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है, ये जो इस कार्बन का बॉन्ड है वो कहां चला जाएगा, वापस यहां चला जाएगा ताकि यहां जाकर के ये पाई बॉन्ड बना सके। मैं इसको इस डायरेक्शन से बना देता हूं, यहां से यहां चला जाएगा एंड आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका बच्चों फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो है हम ऊपर बना देते हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया है तो यहां से CH डैश C2H5 ये यहां पर बन गया। अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर CH2 इसके साथ CH, इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है और ये जो CH3 पार्ट था बच्चों ये पार्ट फिर से किसमें आ गया, डैश पोजीशन में आ गया, क्योंकि यहां पे भी कौन सा मैकेनिज्म हुआ है बेटा, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, तो ये भी आ गया CH3। तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया है, ध्यान से देखो। तो अगर कभी भी आपके पास हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है लेकिन गामा पोजीशन पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे भी आप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करा सकते हो। अब सर गामा पोजीशन ही क्यों ली, बीटा भी ले सकते थे। देखो गामा पोजीशन लेने पर 3-membered रिंग बनी है और 3-membered रिंग से छोटी तो कोई रिंग होती ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, गामा पोजीशन या उससे ज्यादा कंसीडर किया ताकि 3 की जगह 3-membered रिंग बन पाए या 4-membered रिंग बन पाए या 5-membered रिंग बन पाए। तो बच्चों यही था आपका NGP इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो IIT और AIIMS के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।